नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नचार न्यूज के यूट्यूब चैनल में। आज नेपाल से एक बहुत बड़ी अपडेट नेपाल आर्मी को लेकर आ रही है कि नेपाल भारत संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण संपन्न हो चुका है। नेपाल सेना के अनुसार भारत नेपाल संयुक्त बटालियन स्तरीय सैन्य प्रशिक्षण का 15वां संस्करण भारत के उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में संपन्न हुआ है। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, तभी आपको पता चल पाएगा भारत और नेपाल की सेना ने एक साथ सैन्य प्रशिक्षण क्यों किया था। नेपाल सेना के जनसंपर्क और सूचना निदेशालय ने कहा कि भारत सेना और नेपाल की सेना एक एक पैदल सेना बटालियन ने 14 दिवसीय अभ्यास सूर्य किरण XY में भाग लिया था, जो 20 सितंबर को शुरू हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण में 300 नेपाल सेना के जवान और 400 भारतीय सेना के जवानों ने हिस्सा लिया था। अभ्यास मुख्य रूप से अंतर संचालन विकसित करने और आतंकवाद विरोधी अभियानों और आपदा राहत कार्यों के अनुभव को साझा करने पर केंद्रित था। प्रशिक्षण में नेपाल सेना के मेजर जनरल विनायक विक्रम राणा, ब्रिगेडियर जनरल कुमार बाबू थापा, नेपाल और भारत के सेनेटेची सहित अन्य लोग भी मौजूद थे। नेपाल सेना ने विश्वास व्यक्त किया कि इस तरह के एक संयुक्त सैन्य अभ्यास से दो देशों के मैत्रीपूर्ण संबंधों को मजबूत करने में मदद मिलेगी और सैन्य रैंक और फाइल के बीच बुनियादी सैन्य कौशल और आपसी समझ विकसित होगी। और भारत और नेपाल की सेना ने एक साथ प्रशिक्षण किया था ताकि आतंकवाद को खत्म किया जा सके, और यह प्रशिक्षण अब पूरा हो चुका है और नेपाल और भारत की सेना के लिए एक बहुत बड़ी गर्व की बात है कि दोनों देश की सेना एक साथ मिलकर अपने आसपास मंडरा रहे आतंकवाद विरोध को खत्म करेगी। हमारी वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कमेंट लाइक कर दीजिए। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि नेपाल की हर नई अपडेट आप तक पहुंच सके।